प्यार आज के गांव से आई है, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, और जब अखरोती भी आप बहुत अच्छी आपके भी आंसू आ गए मुझे, सबको मेरा नमस्ते। काफी बस अंदर का सफर भी अच्छा रहेगा, अंदर जुनून है कि अच्छा करें, लोगों को करके दिखाएंगे, लड़कियां किसी काम नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी, आते होंगे सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में सब लोग मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। और अभी शाम का 8:30 बज गया और इस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अभी हम खाना वाना खा के पूरे एकदम तैयार हैं और चलते हैं, आप वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को, पहले थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा कि आज मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ। और आए दिन मैं किसी न किसी के ऊपर वीडियो बनाता ही रहता हूँ, किसी न किसी के यूट्यूबर जो सफल हो चुके हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ और उनके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, सारे कुछ जानकारी देता हूँ। और आप सबको ये जानकारी अच्छी भी लगती है मुझे पता, आप लोग जो सपोर्ट और प्यार जो हमें दे रहे हैं ऐसे बनाए रखिए। हम आपको धीरे धीरे सारा कुछ बताएंगे, सारा कुछ सिखाएंगे कि कैसे काम करना और कैसे इन लोगों की तरह आगे बढ़ना, जैसे ये रंजन से हमें आगे बढ़ गए और कम समय में ऊंची, मतलब कहावत होती है ना कि कम समय में ऊंची आसमान को छू लिया, वही बात है। जैसे ये लोग आगे बढ़े हैं ऐसे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और काफ़ी कुछ मैं आप सभी लोगों को दिखा दिखा के शरीर में एनर्जी भरूंगा, पूरा एकदम मॉडल वो करूंगा आप सभी लोगों के लिए, जिससे आप लोग काम करें और दिल लगा के काम करें और आप लोग भी आगे बढ़ें। तो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ पहले तो हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी ने जो मेरे मुंह से जो शब्द निकला है ना, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा किसी के ब्लॉग में, और मैं किसी और के क्या काय को झूठ बोलूं। और जो मैं अभी जो वीडियो जिनके बारे में बना रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ये शिवानी जी की आवाज़ है। और शिवानी जी जब भी ब्लॉग अपना चालू करती थी वो बाहरली भी इसी के चलते हुई थी, और उनका जो चैनल आज इतना बड़ा जो खड़ा है इसी की वोट के चलते खड़ा है। उन्होंने शुरू में जब उनका एक ब्लॉग वायरल हुआ था उस टाइम एक ही उन्होंने बात की थी, जब हाय फ्रेंडा स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फिर में अभी सबसे पहले तो इनका एक वीडियो दिखा देते हैं, तो आप सभी एक वीडियो देख लीजिए जो उस टाइम का वीडियो है जब शुरुआत में इन्होंने स्टार्टिंग की थी, पहले शुरुआत से आप सभी देखिए। तो चलिए शुरुआत की पहले वीडियो दिखाते हैं आप सभी लोगों के लिए, तो देखिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवानी कुमारी ऑफिशियल में। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और वो हमारे चीज़ दिखाएंगे जो कि आप पहले से देख चुके हैं, खेत के बारे में जो सब कुछ पहले से अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, देखा है हमारी मम्मी है इनके बारे में, जितना कहेंगे वो तो कम ही है। 3 सिस्टर की शादी की है, हम 4 सिस्टर हैं और पापा गुजर जाने के बाद हम लोगों को कैसे पला ये हम लोग ही जानते हैं। तो ज़िंदगी में हमें मम्मी हमारी ऐसी ही मिले, हम तो यही कहते हैं भगवान से। तो आप लोग आगे के वीडियो देखिएगा, हम कैसी शूट कर रहे हैं, खेत दिखाएंगे। तो हमारे YouTube की पहली वीडियो है, तो हम अपनी मम्मी के आशीर्वाद से ही शुरू करना चाहते हैं और हमेशा आप बताइए आप किसके आशीर्वाद से कोई काम करते हैं तो किसके आशीर्वाद से करते हैं। मैं तो अपनी मम्मी के आशीर्वाद से ही करती हूँ, हमेशा साथ में रहेंगी तो ज़िंदगी का सफल कुछ और ही रहता है। मेरा आशीर्वाद है शिवानी के साथ और सबके साथ भी रहेगा, और उसके बाद बच्चों को यही चाहते हैं कि सबसे ऊपर बढ़ें, शिवानी भी ऊपर बढ़े और जो कुछ जो भी हमें कमेंट करते हैं वो भी। हमें सभी लोगों ने शुरुआत की वीडियो देख ली होगी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और इस टाइम की अभी वीडियो देख लीजिए कि अभी शिवानी पहले क्या थी और आज क्या है, तो फिर से एक वीडियो देख लीजिए। आज के गांव से आई है, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, और जब अखरोती भी आप बहुत अच्छी, आपके भी आंसू आ गए मुझे, सबको मेरा नमस्ते। काफी अंदर का सफर भी अच्छा रहेगा, अंदर जुनून है कि अच्छा करें, लोगों को करके दिखाएंगे, लड़कियां किसी काम नहीं। ऐसा लगती है कि आप लोगों ने ये भी वीडियो देख लिया होगा और काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
तो अब इसके बाद एक और वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ी तो बाद में दिखाऊंगा, अभी इसके बारे में कुछ समझा देते हैं। तो इस टाइम अभी शिवानी है बिग बॉस में, और बिग बॉस में कंपटीशन चल रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो जैसे आगे अभी तक बढ़ी है ऐसे ही आगे बढ़े। हम भी दुआ करते हैं कि आगे चल के खूब अपना नाम रोशन करें, अपने भारत का नाम रोशन करें, आगे जाके खूब बढ़े। और जैसे उन्हीं की वजह से आज हम लोग मतलब सब जो है यूट्यूब पर है, एक दूसरे को देख देख के यूट्यूब पर आते हैं, कुछ सपने लेके कुछ अरमान लेके कि चखाए हमारे भी वीडियो बाहर ले जाएगी तो हम भी मतलब आगे चल के बढ़ेंगे। तो सर शिवानी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, पहले ये छोटी फैमिली से थी, अभी बहुत छोटी फैमिली से थी, हमारे तो यार जैसे गरीबी थी इनके पास भी, कभी एक टाइम बैंक के बाद पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता था, जो बारहवीं परीक्षा के पेपर देने के लिए उस टाइम उनके पास फीस नहीं थी। तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माँ साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं ये पैसा आपको इकट्ठा करके आप सबको बाद में पैसा ढूंढूंगा, मुझे फिलहाल में पेपर दे दीजिए, मुझे लिखने दीजिए। लेकिन फिर भी उस टाइम माँ साहब नहीं माने थे और पेपर नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना फीस भरा, लेकिन फीस नहीं भरा, कुछ और जुगाड़ उन्होंने की, वो मैं किसी वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि उन्होंने उस टाइम क्या किया था। फिलहाल तो अभी यही दिखाते हैं कि चलिए एक और वीडियो उनका देख लीजिए जो अभी फिलहाल में बिग बॉस में है और क्या हो रहा है बिग बॉस में। हाई स्कूल के पेपर आए, उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लें, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसा कैसे हम तुम्हें पेपर दे लें। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं देन दे रहे हैं। मम्मी ने फिर भी गेहूँ जो रखे थे मका के वो बेच दे हमारे फीस का जे, मम्मी ने मुझे 7,000 रुपया दे, उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टर के इतने ताने सुने, अब जब फीस दई नहीं, हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी हमें मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर दे दो तो दे लें, ना हम पेपर नहीं दिए, हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते उसके बाद बे रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी को दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपये से। तो अभी फिलहाल में आप सभी ने ये भी वीडियो देख ली होगी, और काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखने से मज़ा आएगा कि एक साधारण सी गांव की लड़की कहां से कहां तक पहुंच गई, तो हम भी क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों यही मैं आप सभी लोगों को बार बार बता रहा हूं, बार बार दिखा रहा हूं कि मनोज दे यूट्यूब वाले बाबा, मनोज दे यूट्यूब वाले बाबा, सौरभ जोशी, शिवानी, जब ये सब कहीं ना कहीं पहुँच सकते, ये भी छोटे ये थोड़ी है कि ये बड़े फैमिली में मतलब बड़े पैसे वालों में पैदा हुए, इनके माँ बाप कोई बड़ा पैसे वाले थे, कुछ भी नहीं था यार। इनका रियल लाइफ उठा के देखो, पुराने वीडियो देखो इनके, खुद इन्होंने अपने वीडियो पुराने डाल रखी, पहले क्या थे वो आज क्या, ये सब यूट्यूब का ही पावर है। इसलिए कहते हैं यूट्यूब पे आइए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, हम काफ़ी कुछ आप लोगों को समझाएंगे सिखाएंगे, और हमारी वीडियो जब भी देखना पूरी लास्ट तक देखना, हर बीच में छोड़ोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए जो कुछ भी हम लोग बताते हैं रियल बताते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तो बाय बाय।